मेलबर्न, लाखों की आबादी वाले शहर की तरफ लोग न जाने क्यों यूं ही खींचे चले आते हैं। कोई इसकी खूबसूरती का कायल है तो कोई इसकी जिंदा दिली का। पर जो बात सबसे ज्यादा लोगों को यहां खींचती है वह है कामयाबी के हजारों सुनहरे मौके। मेलबर्न शहर की खूबसूरती है इसके लोग जो आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। अलग अलग मुल्कों के लाखों लोगों ने इस शहर को अपना आशियाना बनाया है क्योंकि इसके दिल में सभी के लिए जगह है, मोहब्बत है। और यही वजह है मेलबर्न को दुनिया के कुछ चुनिंदा शहरों में शुमार किया जाता है। ये सच्ची और कड़वी कहानी है उस शहर की जिसका नाम है मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी मेलबर्न। दिन की रोशनी में झलकने वाली शहर की जिंदा दिली रात को आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी में कहीं खोने लगती है और सारे शहर को एक डरावना साया घेरने लगता है, जुर्म का साया। टॉप स्टोरी, इट्स अनदर शॉकिंग केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडियन स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर एक भारतीय छात्र पर हमला किया गया है। द 23-year-old इंडियन स्टूडेंट वॉज बीटन। ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेदी हमले अब भी जारी। अनदर अटैक ऑन एन इंडियन स्टूडेंट डिस्पाइट ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज सेइंग एवरीथिंग इज बीइंग डन। मेलबर्न्स इंडियन कम्युनिटी इज बीइंग रेशियली टारगेटेड। द मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ अनदर रेसिस्ट अटैक। हमलावरों ने एक भारतीय टैक्सी ड्राइवर पर भी हमला किया और उसके पैसे छीन लिए। I said, what do you want? He said, I want to kill you. I said, why? He said, because you are Indian. I said, nah, this is not a story. I had never ever done anything bad to you. Why you want to kill me? दिन भर ड्रग्स के नशे में चूर इन लोगों पर रात होते ही एक ऐसी हैवानियत सवार हो जाती है जो खुद हैवान को भी शर्मसार कर दे। Parents are calling me, but please come back. If nothing is that, if nothing is happening, come back, come back. What? Why they are saying it? Because they are paranoid. They are scared. The police came and they start bashing some of the guys and hitting with their legs as well. Police is not doing anything over there for their protection. So we all are here together and we're going to protect our Indian students here. कभी पैसों के लिए, कभी झूठे देश प्रेम के नाम पर, तो कभी बस यूं ही अपनी खुशी के लिए ये लोग हमले करते हैं। इन हमलों से तड़पती है मेलबर्न की मासूम जनता और बदनाम होता है एक पूरा मुल्क। मैं और मेरा फ्रेंड जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने मेरा सेल फोन और मेरा पर्स मांगना चाहा और उन्होंने मतलब मेरे को सम डेलिकेटरी वर्ड्स भी कहे कि यू आर एन इंडियन ब्राउन स्किन या ऑल दैट। बट बाय गॉड ग्रेस कि मेरे हाथ में एक स्टिक सी थी और मैंने उनको पुश किया एंड आई वाज जस्ट गॉन अवे। सो दैट वाज माय लक। बट द थिंग इज लाइक लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दिस थिंग। आप रात के 12 बजे ट्रेन में सोना पहना है, जेब में पैसे हैं, मोबाइल आ जाओगे, इंडिया में ही ले लो, कोई ना कोई लूटेगा ही। जिसको पैसे चाहिए हैं, चोर ड्रगी, जिसने नशे करने हैं वो लूटेगा ही। वैसे ही ये हाल है यहाँ, वही ड्रगी हैं, चोर हैं, और कुछ नहीं। I think that was more of a media story than an actual truth. There were certainly incidents where Indian students have been attacked. आए दिन शहर में ऐसे मामले उजागर होते हैं जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। ऐसा ही कुछ हुआ कनन के साथ। Me and my friend went to station to pick his wife. Suddenly some people came to us and they said like, do you have a dollar? I said no and they start bashing us with no reasons. After that train came on the station, it happened on the taxi rank.
And in the meanwhile, one of the cabbie came in. He called the cops, he called the emergency services. They took us to hospital. After that, I went to India for my treatment for 3 months. I got a couple of facial injuries. I lost my vision. And after that, when I get recovered, I came back. Now I'm studying and fighting for my case. आज कनन उस खौफनाक वाक्य को भूलने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो मेलबर्न से, यहां के लोगों से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना पहले करता था। कनन जैसे कई लोग हैं जिनके साथ ऐसे ही दर्दनाक वाक्य हुए, मगर वो अपने दर्द को भुलाकर मेलबर्न के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं। पर मेलबर्न के नाम और शान और शौकत को अगर खतरा है, तो हीन भावना से ग्रसित ऐसे पिछड़े सोच वाले लोगों से, जो चंद रुपयों के लिए दंगा, मारपीट, आगजनी और यहां तक कि किसी का खून भी करने से नहीं झिझकते, पर ये लोग शायद नहीं जानते कि इसका कितना गहरा असर पड़ता है आप पर, हम पर और हम सभी की जिंदगी पर। For people around the nation, I think that they will be joining together to say we unreservedly condemn this kind of violence against anyone. रंग भेद के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और सरकार एक लाचार तमाशबीन की तरह सब कुछ देखती रहती है। सवाल ये उठता है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ये वक्त जिसमें हम सब सांसें ले रहे हैं? यह हर वो बड़ा शहर जो सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत दिखता है, पर उसके अंधेरे गलियारों में जुर्म पनपता है। या सरकार जो पूरी तरह से नाकाम रही है ऐसे लोगों पर काबू पाने में, या फिर वो लोग खुद जो इन हमलों के शिकार बने। सवाल कई हैं, पर शायद जवाब एक भी ना हो। अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हम अपने खुद के नहीं होते हैं, इसलिए हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, अपनी शॉर्टकमिंग को कन्फ्रंट नहीं करते हैं। हम दोनों को मिल मिलाकर अपने शॉर्टकमिंग को कन्फ्रंट करना चाहिए, तभी जाके एक मीनिंगफुल रिश्ता हम कायम कर पाएंगे। फॉर मी आई थिंक द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर क्रूक वाज व्हेन I went to one store in Sunshine District where one of the first racial attacks was held, and the boy was in coma after that. The aspirations of the youth wanting to be on the fast track to have a very luxurious life, and also it deals about the topicality of the racial problem that has unfortunately engulfed the Indian students in Australia. जो सही माने में जो शत्रु है वो हमारे अंदर बसता है, इसलिए अंदर झांको, अंदर के जानवर को काबू में करो, और यही एक नजरिया है जो क्रुक में अनोखा है, नया है, और आज की तारीख में हमने वो एक एंटरटेनिंग अंदाज में कहा है। मेरा तो बस एक ही फंडा है, साइड उसकी लो। जिसमें जीत अपनी हो, बाहर में जाए दुनिया, मुझे क्या। बात तो सभी करते हैं, पर अच्छा है कौन।